Hey guys, what's up? Welcome back to my new vlog. So, आज ना फिर से हम तैयार होके आपके लेके आ गए एक और इन्फॉर्मेटिव व्लॉग। ये हम फार्म पे जाकर नहीं दिखाएंगे, ये हम जा रहे हैं रोहतक। वहां पे आपको चलते चलते रास्ते में बताएंगे कि हम रोहतक क्यों जा रहे हैं और इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है। चलो चलते हैं। चलो 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 भाई, हमने ना अभी कुछ टाइम पहले गाड़ी धुलवाई थी, तो गाड़ी के एक भाई ये चीज देखो, ये क्या हुआ, ये देखो ऐसा लग रहा है किसी ने पेंट बॉल मारी रख के भाई, क्या मतलब जगह जगह निशान पड़ गए हैं। तो निकल तो हम पड़े हैं, सबसे पहले अभी हम जा रहे हैं अपने फार्म पे, क्योंकि फार्म पे क्यों जा रहे हैं, वहां पे ना हमने जैसे कि आपको बताया कि रोहतक जा रहे हैं, तो रोहतक जाने से पहले हमें फार्म से उठानी एक चिज्जी उठानी है, तो फिर वो लेके हम रोहतक जाएंगे। और अगर मैं मौसम की बात करूँ भाई, आग लगी हुई है, आग बाहर ना आग लगी हुई है और अंदर भी आग लगी पड़ी है। अंदर हमारे आग लगी है काम करने की, आग है भाई कि काम करना है, पहे कमाने पहे हैं। भाई एक तो पता नहीं है, यहाँ सहड़े बैठा हो ना, एक तो गर्मी है ऊपर से ठंड भी है, मतलब गर्मी ठंड कैसे की धूप इतनी है कि एसी ठंडा नहीं कर पा रहा, और एसी की डायरेक्ट हवा पड़ रही है तो ठंड इतनी है, एकदम हवा सी लग रही है। इतना आलस आ रहा ना कि मतलब नींद आ रही है, सुबह पता नहीं 6 बजे नींद खुल गई, पता नहीं कौन सा मैंने सुबह प्रभात फेरी में जाना था, नींद पूरी नहीं हुई, नींद आ रही है यार अब। तो फार्म पे हम आ गए, मेन फार्म पे हम आए थे इसको लेने, मतलब इसको कुछ और मत समझना भाई, ये है पानी। अब इसकी क्या लोड है ये अभी आपको ना थोड़ी देर बाद बताते हैं, सारी चीजें ना इकट्ठे नहीं बताते। एक तो इतने टाइम से मेरी बुलेट घर पे खड़ी, तो वो भी मेरे को कहती है कि पर नहीं भाई, कोरोना मानते नहीं है। कोरोना ना हमारे इंडिया में आके ऐसा हो गया है कि जैसे होते हैं ना कुछ रिश्तेदार होते हैं कि अपने किसी रिश्तेदार के पास जाएंगे इतने टाइम बाद और वहीं बैठ जाएंगे भाई, जाते नहीं, इतनी शांति से वापसी नहीं जाते थे, वही हाल कोरोना का हो गया कि जा ही नहीं रहा वापसी। भाई फार्म पे आके हमने जो लेना था वो तो हमने ले लिया है, बट अब दिक्कत ये है कि हम यहाँ पे है ना, हमें एक बंदे का फोन आ गया, हमारे कस्टमर का फोन आ गया, कस्टमर ने हमारे आना हमसे मिलने कुछ काम था, तो अब उनकी वेट कर रहे हैं, जल्दी से वो आए तो फिर हम रोहतक निकलें, क्योंकि 4 बजे के करीब दफ्तर बंद हो जाता है और दफ्तर अभी आपको बताते हैं कौन सा है, लेट हो गए ना फिर भाई सारा नुकसान हो जाना है। निकल हम चुके हैं, मैं तो ऐसे ही कह रहा था कि बाहर आ गए हमारे अंदर आ गए, साला दोनों जगह से ज्यादा आग तो हमारी सीट में है, बैठते ही ना पीछे पूरा जला दिया है, यहाँ पे ना सेका कर दिया पूरा, आमलेट डाल मतलब अंडा डाल दो आमलेट बन के निकलेगा। तो हम आए रोहतक से, आगे गांव पड़ता है लाली, और यहाँ पे हम क्यों आए हैं, ये जो हमारी बोतलें हैं इनका पानी टेस्ट कराना है, ये देख लो दो बोतलें हैं, दो बोतलें क्यों हैं ये अभी आपको बताएंगे, पहले हम अंदर जमा करा दें। हम दो सैंपल इसलिए लाते हैं, एक तो था हमारे फार्म का हमने पहले पानी टेस्ट कराया था, बट कुछ टाइम बाद जैसे जैसे पानी निकलते रहता है चलते रहता है ना, तो पानी का जो मतलब जो भी होता है वो सारा चेंज होते रहता है टाइम टू टाइम, तो इसलिए हम दोबारा चेक करा रहे थे कि क्या उसके मतलब हो गया है, कि मतलब मैग्नीशियम कितना हो गया, ये सब कितना हो गया, तो ये सब पता लगता है। अब इसका जो रिजल्ट है वो आज तो आएगा नहीं, वो आएगा कल या परसों तक, तो मतलब कल या परसों तक आ जाएगा, छुट्टी है आज, छुट्टी है यहाँ पे, तो कल या परसों तक इसका रिजल्ट आ जाएगा, तो आएगा तो उसका भी आपको बताएंगे कि रिजल्ट कैसा आता है। और अगर यहाँ पे आपने आना है तो आ सकते हो, ये मतलब कहाँ पे है, रोहतक में है लाली गांव, वहाँ पे आके आप किसी भी फिशरी डिपार्टमेंट में, फिश किसी भी नहीं, एक ही फिशरी डिपार्टमेंट है, वहाँ पे आके जमा करा सकते हो, 50 रुपीज़ पर सैंपल लगता है। और दूसरा सैंपल जो है वो अभी मैं आपको बता नहीं सकता कि वो किस चीज़ का है, मतलब है तो पानी का ही, बट वी आर प्लानिंग समथिंग न्यू, तो उसका अभी बताऊंगा नहीं, जब वो अच्छे से पूरा प्रिपेयर हो जाएगा ना तब जाके आपको बताऊंगा, क्योंकि पता चले मैं अभी आपको प्लान बता दूं और बाद में हमारा वो प्लान हुआ ही ना, तो ऐमी फिर मतलब ना मज़ा नहीं आता। और यार मैं कल की वीडियो देख रहा था ना, तो मैं जब एडिट करी है ना, मेरे को तब पता लगा कि कितनी विंड नॉइज आई है उसमें, मतलब मेरे से भी सुनी नहीं जा रही थी, तो आपने तो चलो यार किसी ने कंप्लेंट करी नहीं, वो तो आपका बहुत शुक्रिया। बाकी आगे हम ध्यान रखेंगे कि हवा को बोल देंगे जब वीडियो बना रहे हो तो भाई रुक जा। बाकी अभी हम आए किसी के फार्म पे, तो अगर बना सका तो वीडियो आपको जरूर बना के दिखाऊंगा, नहीं तो कोई नहीं, हल्की सी झलक आपको दिखा देते हैं बस।
हाँ जी, तो जो हमारी मीटिंग थी वो मीटिंग तो हो गया यहाँ पे आके ना भाई। एक तो पहले उनका फार्म देख के हमें बहुत मतलब अंदर से ही खुशी हो रही थी देख के कि हाँ इतना बढ़िया बना रखा है, 40 एकड़ में इतना बढ़िया फार्म बना रखा है। और दूसरा उनसे ना हमें काफ़ी चीज़ सीखने को मिली है, तो वही मैं आपको पहले भी पिछले व्लॉग में भी मैंने कहा था कि जितने ज़्यादा फार्म पर जा सकते हो उतने ज़्यादा फार्म पर जाओ, क्योंकि कुछ आपका जाएगा नहीं, कुछ नया सीखने को ही मिलेगा, कुछ नया पता लगेगा कि हाँ क्या कमी होती है, क्या करना होता है, कैसे करना होता है। तो वही हमें मेन चीज़ पता लगी है कि एक तो है अमावस है, पूर्णमासी अमावस और अष्टमी और नौवी दोनों, मतलब दोनों कह रहे हो चारों के आसपास ना जो मतलब अपना क्या कहते हो उसे श्रिम, वो अपने शेल से बाहर निकलता है, अपना शेल जो है पुराने वाला शेल होता है उसको तोड़ता है, उससे बाहर निकलता है और नया शेल बनाता है। तो उसको फिर उसी हिसाब से पैरामीटर्स में उसको रखना पड़ता है कि मतलब सारे जो मिनरल्स वगैरह होते हैं वो देने पड़ते हैं, तो ये चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए ना भाई तभी मैं कहता हूँ कि अगर ये चीज़ों का ध्यान ही रखोगे तो वही होता है आखिरी में सारा कुछ जो भी सामान डाला होता है, जो भी बच्चा डाला होता है सब मर जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि नॉलेज लो, क्या जा रहा है कुछ नया सीखने को मिलेगा, पैसे बचेंगे चार तुम्हारे। और ये ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ इन चार दिनों के मतलब आसपास ही जो स्ट्रीम है वो अपने शेल से बाहर निकले, वो हर हफ्ते में निकलते रहता है, इस टाइम में लार्ज वो मतलब ये होता है कि जो ये चार दिन होते हैं ना इसके आसपास जो है वो ज़्यादा तादाद में वो अपने शेल से बाहर निकलते हैं। और एक इससे ये भी पता लगता है कि अगर जो आपका स्ट्रीम है वो शेल से बाहर निकल रहा है रेगुलर टाइम जो होता है हफ्ता डेढ़ हफ्ते में निकल रहा है, तो उससे ग्रोथ अच्छी होती है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि मतलब अगर आप सोच रहे हो कि फ़िश फार्मिंग और श्रिम फार्मिंग करने का सोच रहे हो आगे जाके, तो फ़िश फार्मिंग ना श्रिम फार्मिंग के बदले बहुत आसान है। श्रिम फार्मिंग में ना आपको केयर बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, उसमें वाटर पैरामीटर्स भी ज़्यादा मतलब देखने पड़ते हैं, टाइम टू टाइम चेक करने पड़ते हैं। फ़िश फार्मिंग में भी ये करना पड़ता है अगर आप प्रॉपर तरीके से कर रहे हो, बट फिश जो होती है ना वो हार्ड होती है, तो वो ये सब झेल लेती है और वो इतनी जल्दी मरती नहीं है, तो इसलिए ना श्रिम फार्मिंग ज़्यादा मुश्किल है। और अगर आप फ़िश फार्मिंग में भी घुस रहे हो तो सबसे पहले आप नॉलेज लो, मतलब ये नहीं कि हाँ पहले काम सारा कुछ बना लिया कर लिया फिर आप जाके नॉलेज ले रहे हो या खुद ट्राई करके नॉलेज ले रहे हो, क्योंकि ये आप खुद ट्राई करके नॉलेज लोगे ना तो आपके पैसे बर्बाद ही होंगे, बाई चांस अगर भगवान ना करे कुछ हो गया तो आपके जितने भी पैसे लगे सब बर्बाद जाएंगे। तो इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड। आई होप कि आपको व्लॉग जो है इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपके काम की भी होगी। तो व्लॉग अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट में बताना कि व्लॉग कैसा लगा, और भी आपको अगर कोई नॉलेज लेनी है तो कमेंट में मैसेज कर देना या हमें बता देना, तो हम वीडियो बना के या कमेंट के ज़रिए आपको बता देंगे कि जो भी आपकी हम हेल्प कर सकते हैं वो ज़रूर करेंगे। और वीडियो को शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू।